मैं सोच रहा हूँ 19,000 फीट पे जाके वो भी साइकिल करते हुए पहुँचना, एक्सपीरियंस भी चाहिए और थोड़ा एंड्योरेंस, एक्सपीरियंस, फिजिकल कैपेसिटी भी होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको मेंटल कैपेसिटी होना चाहिए। हेलो, डे टू विन ले, आज दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे हो रही है। कल हम दिल्ली से ले आए थे, तो कल तो हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बस अपने होमस्टे में रहे। ये होमस्टे जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और थोड़ा मार्केट विजिट करें या फिर म्यूजियम विजिट कर लें, वो डिपेंड करता है एज द डे प्रोग्रेसेस। तो मतलब आज की हमारी कोई हेक्टिक आइटनरी नहीं है, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में थोड़ा कुछ 2 से 3 घंटे के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं। बाकी मौसम यहाँ पर अच्छा है इस समय, जैसे सुबह का टाइम है, धूप तेज़ निकली हुई है, तो यहाँ की धूप ना चुभती है, तो अभी अगर स्वेटर डाल लूँगा तो गर्मी लगेगी, लेकिन शाम को 8 बजे स्वेटर नहीं पहनेंगे तो ठंड लगेगी। हमारे 2 टीम मेंबर्स आज आ रहे हैं, थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट आ जाएगी। पहले मैं सोच रहा था धूप में बैठकर यहाँ पर नाश्ता करें, फिर मैंने देखा ना सन बहुत ज़्यादा हार्श है, तो बेटर है शेड के नीचे बैठे, ज़्यादा कंफर्टेबल है। आलू परांठा साथ में दही, और दही में काली मिर्च, एक एक्स्ट्रा दही मैंने वैसे मंगा लिया, मेरे को ना आलू परांठा और कर्ड कॉम्बिनेशन बेहद पसंद है। कल रात को ना नींद मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई, एकदम शांति थी। वैसे तो अभी भी शांति है, सिर्फ एक स्ट्रीम की साउंड है, नज़दीक में स्ट्रीम है, वो मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है, अच्छा लगता है। ये जगह मेरे को पसंद आई। एक अच्छी बात यह है कि इनकी प्रॉपर्टी ना एंड पॉइंट पे है, तो यहाँ से कोई रास्ता बाहर रोड पे नहीं जाता, मतलब कोई रोड बगल से नहीं निकलती, तो उससे क्या है ट्रैफिक भी नहीं है इस जगह, और ज़्यादा आप दूर भी नहीं होंगे, तो 15-1 मिनट पैदल चलेंगे तो मार्केट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो बस नाश्ता फिनिश करके 2-3 घंटे रिलैक्स करते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम बना लेंगे। हमने सोचा एक काम करते हैं, आधा एक घंटा ले की मेन मार्केट विजिट करते हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा कि बाज़ार में क्या क्या दिखाई देता है, क्या मिलता है और मार्केट कैसी है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्लीन है, और हर 20-20 मीटर पे ना आगे पीछे दोनों तरफ बेंचेस लगे हुए हैं, तो यानी अगर आप चलते चलते बैठना चाहते हो तो किसी भी बेंच पे बैठ जाओ और लेफ्ट राइट देखो, एंजॉय करो, हैव ए गुड टाइम। और काफ़ी सारी यहाँ पर सोवनेर शॉप है, और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत सारे यहाँ कैफ़े हैं, इनफैक्ट कैफे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। यहां पर हमने सेकंड फ्लोर पे लेवेंडा कैफे आइडेंटिफाई किया, तो एक सिटिंग स्पेस तो यहां पर अंदर है इनकी। हमने सोचा कि थोड़ा बाहर बैठते हैं, मार्केट हाइट से देख भी लेंगे और साथ साथ कॉफी भी हो जाएगी, तो कॉफी मैंने पहले ही मंगा ली थी। ठीक है, कॉफी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब बेटर देन एवरेज। चलो अब कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा और टहलेंगे, और मैं चाहूँगा कि आज हम ट्रेडिशनल फूड लंच में खाएं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हो सकता है। इस समय मैं ना यूथ हॉस्टल आया हूँ, और यहाँ पर हमारी मुलाकात 2 सब्सक्राइबर से भी हो गई है। एक आप हैं, आपका गुड नेम मोनिश चक्रवर्ती। अच्छा, तो वन मोर पर्सन इज हेयर, आप आए हैं भोपाल से। यस, लवली। तो ये इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल ना
लेह में जोरावर फोर्ट से लगभग कितना होगा, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर से जोरावर फोर्ट, जोरावर 2.5 किलोमीटर्स। और यहाँ पर ना एक ग्रुप है बहुत बड़ा, लगभग 50 लोगों का, 50 लोगों का ग्रुप। तो आप सब जगह जगह से आए हैं और यहाँ से आप साइकिलिंग करने वाले हैं, तो ये साइकिल्स आप लोगों की खड़ी हैं, मतलब ये नहीं, ये इन्होंने दी है? हाँ, इन्होंने यूथ हॉस्टल ने दिया हुआ है। ये साइकिलिंग इवेंट्स अरेंज करते हैं, 40 to 50 पीपल्स रहते हैं इन लोगों के। सेला पास तवांग में जो है वहाँ के साइकिलिंग में अरेंजमेंट करते हैं, मनाली लेक हारदुंगला के अरेंजमेंट करते हैं। अभी जो हम आए हुए हैं वो हम आए हुए हैं उमलिंगला पास करने के लिए, जो हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है। 19,300 का उसका हाइट है फीट पे। पहले खारदुंगला था ना, पहले खारदुंगला था, अभी खारदुंगला से भी ऊपर ये गया हुआ है। 19,300 मोर देन एवरेस्ट बेस कैंप से हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा है उमलिंगला की। और ये पहली बार ऑर्गेनाइज्ड टूर यूथ हॉस्टल कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ 19,000 फीट पे जाके वो भी साइकिल करते हुए पहुँचना, यू नीड टू एक्लेमटाइज। एक्चुअली एक्लेमटाइजेशन के साथ करके जाएंगे तो इतना मुश्किल नहीं होता है, बट फिर कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये एक्सपीरियंस भी चाहिए और थोड़ा एंड्योरेंस, एक्सपीरियंस, फिजिकल कैपेसिटी भी होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको मेंटल कैपेसिटी होना चाहिए आपकी, कि मतलब आपने छोड़ना नहीं है ये जो। तो ये टोटल टूर आपका कितने दिन का है? ये हमारा 15 डेज का टूर है, 13th से लेके कल हम लोग आए यहाँ पे, 14th जुलाई। आज 14 जुलाई, कल यस्टरडे वॉज आवर फर्स्ट डे, सो इट वॉज एन एक्लमेटाइजेशन डे, टुडे इज ऑल्सो एक्लमेटाइजेशन डे। कल से हमारी एक्चुअल साइकिलिंग चालू होगी। तो डेली बेसिस पे आप कितने किलोमीटर चलाओगे? एक्चुअली 50 to 70 किलोमीटर के आसपास में है। इंटरनल इज देयर कस्टमाइज, यानी वन डे मे बी इट्स 90 किलोमीटर, वन डे 70, वन डे 46, अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि बीच में हमको कुछ पासेस मिलेंगे, जैसे तांगलांगला पास है जो सेकंड हाईएस्ट पास है, तो वहाँ पे उस दिन हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन 45। फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ किसी दिन अगर आप 80-90 किलोमीटर साइकिल चला रहे हो, और वो भी हिली टेरेन तो है ही ना, या तो, और वो भी हाइट पे इतनी ज़्यादा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए साइकिल चलाने का, तभी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसकी टोटल क्या कॉस्ट है टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम? एक्चुअली इनका जो ये है 39,000 रुपीज़ इनका फीस है, जो फॉर 15 डेज, विच इंक्लूड्स अवर फूड, मेडिकल के हमारे साथ में डॉक्टर्स हैं जो आते हैं हमारे साथ में, गाड़ी में रहेंगे वो, दो गाड़ियाँ रहती है, गाड़ियाँ इन द सेंस कार या क्या बोलते हैं जो अपना ट्रैक्स वगैरह जो रहती है, जो पानी और बाकी के सामान वगैरह लेके हमारे साथ में चलते रहती है। साथ में दो बुलेट वाले भी हैं जो हमारे साथ में, साइकिल्स जब ख़राब हो जाते हैं तो मैकेनिक है वो बुलेट में बैठे हुए रहते हैं पीछे में, तो यानी किसी की अगर तबीयत खराब हो तो वो एम्बुलेंस में शिफ्ट, हाँ मेक शिफ्ट एम्बुलेंस जैसा किया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स है साथ में, क्योंकि तो पहाड़ी एरिया है, कभी भी किसी को कुछ हो सकता है। हाँ, किसी का तबीयत खराब हो तो फिर वो वापस बेस कैंप। हाँ अच्छा लगा आप लोगों को मिलके। यस थैंक यू वेरी मच। यस नाइस टू मीट यू। मुझे रेफरेंस मिला, अगर आप लोकल लद्दाखी फूड खाना चाहते हो तो आप सास रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हो। तो हम आ गए यहाँ पर, एक सिटिंग स्पेस तो इनके अंदर रेस्टोरेंट है, और मैं ना बाहर की तरफ बैठा हूँ, सन है लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इट्स ओके। तो ये ना मेन्यू कार्ड में पिछले 5-10 मिनट से देख रहा था कि क्या खाएं, मेरे को काफ़ी सारी डिश तो समझ नहीं आ रही थी क्या है, तो मैंने इनसे स्टाफ से हेल्प ली कि बताओ कि क्या क्या है। जैसे अब ये नामथुक है, इसमें नीचे लगा स्कोत्से सांपा, तो मेरे को समझ नहीं आया, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दी कुछ डिशेस के बारे में। तो मैंने ना अपने लिए एक नामथुक मंगा लिया, एक काइंड ऑफ क्लियर सूप है, तो भी आएगा 10 मिनट्स के अंदर, और साथ में मैंने बर्नट लाइम थेंथुक मंगवाया। नामथुक सूप आ गया, तो मैंने इनसे पूछा ये ऊपर ऑयल क्या है, तो बोल रहे हैं ये स्कोत्से ऑयल है। खुद के देखने के लिए इन्होंने मेरे को ऑयल दिखा दिया, ऐसा दिखता है स्कोत्से ऑयल। और स्कोत्से होता क्या है, तो यहीं बगल में ना गार्डन में ये नीचे दिख रहा है, तो यहाँ से ये स्कोत्से तोड़ कर लाए, इनके पास अभी एक दो ही थे गार्डन में, तो मुझे दिखा दिया ये है स्कोत्से, इससे बनता तेल। अभी ये क्या चीज़ है, ऐसा करके मैंने 2 मिनट पहले भी देखा था, ऐसा करके इसको हम तोड़ लेंगे ना, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ऐसा हैंडमेड अप करेंगे, तो हमें लहसुन की खुशबू आएगी, और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है लहसुन की, गार्लिक, तो ये गार्लिक का काम करता है। चलो अब सूप पी लिया जाए। इसको बनाने के लिए ना
वेजिटेबल ब्रॉथ के अलावा बार्ले का आटा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेज क्लियर सूप में अगर बार्ले का आटा जोड़ दो तो कैसा स्वाद आएगा, एग्जैक्टली वही टेस्ट आ रहा है। अब ये स्कोते ऑयल का इसमें टेस्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें ना छुरपी इन्होंने ऐड करी हुई है, तो मैंने ये भी कहा था कि मुझे दिखा दो छुरपी एक बार। तो ये हार्ड फॉर्म है छुरपी की, बहुत ज़्यादा सख्त है। जैसे अपन ऐसे हाथ में ले लेंगे ना तो ऐसा लगेगा हमने कोई, यहाँ तो चलो टूट गया लेकिन खाने जैसा नहीं है ये। तो इसको अगर मुँह में रख लेंगे ना तो 4-5 घंटे लग जाएंगे इसको खाने में। और ये उसकी सॉफ्ट फॉर्म है, तो इन्होंने इसको 2 दिन के लिए भिगो दिया तो ये सॉफ्ट फॉर्म बन गया। ये छुरपी बनता है, याक होता है ना तो फीमेल याक को डीमो बोलते हैं, तो ये डीमो के मिल्क से तैयार होता है छुरपी। अलग से खाएंगे तो हल्का हल्का खटास होता है, फर्मेंटेशन की स्मेल भी आती है, और विंटर्स में ये चलता है लद्दाख में और स्पिति में। ओवरऑल मुझे इसका टेस्ट पसंद आया। लोकल सूप के हिसाब से ना मेरे को ये नामथुक पसंद आया, स्पेशली वो छुरपी है ना बीच में, छोटे छोटे दाने डले हुए हैं, हल्का हल्का खट्टा, फर्मेंटेशन जैसी फीलिंग आ रही है। गुड, अभी हमारा आईफोन गर्म हो गया, धूप निकल आई है ना, तो अब हम बाकी का जो मील मंगाया है वो अंदर बैठ के खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अंदर जाने से पहले आसमान की तरफ भी आप देख लो। थेंथू देख लीजिए कैसा दिख रहा है। आमतौर पे कभी भी हम थेंथूक लेते हैं या थुप्पा लेते हैं तो दोनों में ना सूप साथ होता है। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन्होंने अलग से दे दिए, मतलब रेडी, और सूप हमें अलग से दे दिया है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अलग दिख रही है यहाँ पर। अब ये जो है ना थेंथूक, इसमें इन्होंने बताया कि गेहूँ का आटा भी है और बकवीट का आटा भी है, मतलब कुट्टू का आटा। पिछली बार जब मैं डलहौजी साइड गया था, स्पीति गया था, तो मैंने वहाँ पर जगह जगह थेंथूक जो तिब्बतन स्टाइल में कुक किया गया था उसको टेस्ट किया था। तो तब मैंने रियलाइज़ किया था आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता, फ्लैट टेस्ट होता है। उसी प्रकार से जो सूप है ना उसका टेस्ट एकदम फ्लैट है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ब्लैंड टेस्ट महसूस होगा। इसको फिनिश करने के बाद हम अपने होम से जाएंगे, 2-1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ पर रुकेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कि शाम के समय हमें कहीं जाना है या नहीं जाना। अब आपसे हमारी मुलाकात कुछ देर बाद होगी। इस बार जब मैं दिल्ली से चला ना तो हेयर कट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस मार्केट में कोई ना कोई सैलून होगा तो बाल कटवा लेता हूँ, थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल लगेगा। तो वापस हम मेन मार्केट आ गए, मैंने हेयर कट करवाया, अब हम अपने होम स्टे जा रहे हैं। इस समय शाम के 4:30 का टाइम है। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे ना, मैंने आपको ये मार्केट दिखाई, तो उस समय अभी के मुकाबले में 10% से ज़्यादा लोग नहीं थे, और अब देखो कितना क्राउड है, लोग बेंचेस में बैठे हुए हैं और सेंटर की जगह। शायद इसका रीज़न ये है कि सुबह यहाँ पे धूप थी, अब बढ़िया लग रहा है, तो इससे एक हमें आइडिया लग गया कि इस मार्केट आने के लिए ना सबसे बढ़िया टाइम शाम को 4:30-5 के बाद का है। चलो गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है, वहाँ चलते हैं।
इस समय मैं अपने होमस्टे तक पहुंच चुका हूं। जब मैं यहां पे आ रहा था ना, तो मुझे रास्ते में ध्यान आया कि हमारी बुकिंग यहां पर कल की नहीं है, और मुझे कल इन्होंने बातों बातों में बताया था कि इनके पास ना अवेलेबिलिटी टाइट है, मतलब फॉर टुमारो। तो मुझे लगा सेफ साइड में काम करता हूँ, बाज़ार में दो तीन होटल विज़िट कर लेता हूँ, अगर इनके पास एकोमोडेशन नहीं हुई तो एटलीस्ट हम वहाँ पे चेक इन कर लेंगे। तो मैंने एक विज़िट किया, लद्दाख रेजिडेंसी करके होटल है, वो 7100 टैरिफ ले रहे थे और अवेलेबल भी नहीं था तो फुल। फिर मैंने विज़िट किया है पद्मालिंग करके एक होटल है लद्दाख रेजिडेंसी से 1 किलोमीटर पहले, वो 3000 रुपीज़ टैरिफ ले रहे हैं। तो कहते हैं अगर आप दो रूम लोगे तो आपको 2500 रुपीज़ में दे देंगे, मतलब 5000 रुपीज़ फॉर टू रूम्स। तो वो होटल अच्छा लगा मेरे को, रूम्स भी स्पेशियस थे। फिर एक और मैंने देखा उसके बगल में राबियांग गेस्ट हाउस करके था, तो उसका टैरिफ तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रीजनेबल था, 1200 रुपीज़ और डबल ऑक्यूपेंसी, तो मुझे तो बड़ा सही लगा। तो सिर्फ ये है कि उसकी अप्रोच मतलब गाड़ी गेस्ट हाउस तक नहीं जाती, गाड़ी बाहर खड़ी करके, जहाँ ये कुछ होटल्स गेस्ट हाउसेज के बोर्ड लगे ना, यहाँ खड़ी करके आपको एक नैरो से रास्ते से अंदर जाना पड़ता है 150 मीटर्स, और गुड प्रॉपर्टी, नाइस स्पेशियस रूम। तो एनीवेज मैंने वो थोड़ा माइंड में रखा है, राबियांग तो हम लोग को सूट नहीं करेगा क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तक लेके जाना, लेकिन पद्मालिंग में जा सकते हैं अगर इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो। अब आज के दिन में हम कुछ और नहीं करने वाले, अब हम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स तो कभी होता ही नहीं, मतलब डेटा कॉपी कर लेंगे, बाकी मेल चेक करना और सोशल मीडिया कमेंट्स चेक करना, वो सब में अच्छा खासा समय निकल जाता है। और कल भी हम ले में हैं, परसों के बारे में हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि परसों या तो हम हानले जाएं या हम नुब्रा वैली जाएं। वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हानले में इस समय एक फेस्टिवल चल रहा है 2 दिन का, कल और परसों का, तो ये रीज़न है कि हानले पहले जाने से हमको फ़ायदा हो सकता है, सोचते हैं, क्योंकि हानले बिना एकोमोडेशन के जाना एडवाइजेबल नहीं है, सुबह जाके तो शाम को आ नहीं सकते, तो सोच विचार कर लेते हैं। और अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी।